हेलो बच्चों, इससे पहले हमने जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ाए था तो हमने तीन मेथड बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उससे हमारी तीन एक्सरसाइज लग गई थी, 6A, 6B और 6C। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6D। इस एक्सरसाइज में है क्या, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लीनियर दे नहीं रखी होगी, बल्कि हमें उसे लीनियर बनाना है और लीनियर बना के उसे सॉल्व करना है, यानी कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कुछ नहीं होगा, हाँ पर उसी तरह से मान करके हमें इन्हें सॉल्व ज़रूर करना है। आपके पास तीन मेथड है, तीन में से कोई भी मेथड आपको लगाना है और लगा करके उसे सॉल्व करना है। ये हमारा पहला एक क्वेश्चन है जो दे रखा है, ये दो इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन जैसी दिख रही हैं? डिग्री तो वन है वेरिएबल की और लीनियर भी है, बस थोड़ा सा ऊट पटांग लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे x की जगह 1/x दे रखा है और y की जगह 1/y जैसा कुछ दे रखा है, पर सॉल्व हमें ही करना है। तो करना क्या है, कैसे करना है देखते हैं। तो जो भी यहाँ पे ऊट पटांग दे रखा है, इसे हम कुछ मान लेते हैं। जैसे 1/x को हमने मान लिया a, 1/y को क्या मान लिया हमने b। अब जब ऐसा कुछ मानेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 9a माइनस का 4b बराबर का 8, ये 13a प्लस का 7b बराबर 101। अब ये लीनियर जैसी लग रही है, अगर वेरिएबल यहाँ पे a है और b है तो इक्वेशन लीनियर जैसी दिख रही है। अब करना क्या है, हमें अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास तीन मेथड है, तीन में से कोई भी मेथड आपको लगा लेना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगाएं एलिमिनेशन मेथड लगाएं बाय इक्वेटिंग कॉफिशियंट, अगर कॉफिशियंट को इक्वेट करके अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे करें, हम यहाँ पे करते क्या है, बी के कॉफिशियंट बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे बी के कॉफिशियंट 4 है, यहाँ पे 7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से कर दें, 7 से करेंगे 7 × 4 = 28, 4 से करेंगे 4 × 7 = 28। उस केस में होगा क्या, हमारा ये इक्वेशन जो होगा वो बी का जो कॉफिशियंट होगा वो बराबर हो जाएगा, ये 9 × 7 = 63, 28 = 56, 52 = 28 और ये हो गया 404। सही है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट हैं, 3, 2, 5, 6, 5, 11 a, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 6, 4, 10 मिल जाएगा, 5 और 1 6 मिल जाएगा, और ये होगा 4। अब अगर हम 460 को 115 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। सही है, अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे 1 में रखो या 2 में रखो, हम 1 में रखे ले रहे हैं, 9a माइनस का 4b बराबर 8, ये है कुछ। a की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो क्या मिलेगा, 9 × 36 − 8 = 4b, ठीक, ये हो जाएगा 28 = 4, 4 × 7 = 28, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7। सही है, अब सवाल क्या था हमारा, वेरिएबल तो हमारे एक्स थे और वाई थे, निकाल ली हमने किसकी वैल्यू है, ए की और बी की। अच्छा, अगर a की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें 4, तो
x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। यहाँ पे b की वैल्यू अगर हम रख दें 7, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/7। और इस तरह से हमने क्या निकाल ली, x की और y की वैल्यूज। तो करना बेसिकली क्या है, जो भी इक्वेशन हमारी दे रखी है उसे हम कुछ इक्वेशन में जो वेरिएबल हमारे ऊट पटांग दे रखे हैं उन्हें हम कुछ मान लेंगे, कोई दूसरे वेरिएबल्स में मान लेंगे जैसे भी करके। और फिर हम क्या करेंगे, जो तीन मेथड हमने पढ़े थे उन्हीं तीन मेथड कोई एक मेथड हमें अप्लाई कर लेना है और उससे हमें सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 एक देख लेते हैं उसमें क्या है। थर्ड है 8/y = 19, 3x - 4/y = 7। यहाँ पे x तो ठीक ठाक दे रखा है जैसे होना चाहिए, y की वैल्यू थोड़ी सी ऊटपटांग है, तो ऊटपटांग है तो कुछ मान लो भाई, 1/y को हमने मान लिया a। अब इक्वेशन कैसी हो गई हमारी, 5x + 8a = 19 और ये हो गया 3x - 4a = 7। एक कॉफिशियंट इक्वेट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन तो 5x + 8a = 19 है, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3 × 6 = 8, 7 × 14। ऐड कर दो 11x, 9 × 4 = 13, 33, 11 × 3 = 33, एक्स की वैल्यू 3 सही है। अब एक्स की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे 1 में रखो या 2 में रखो। 1 वाली इक्वेशन क्या है, 5x + 8a = 19, एक्स की वैल्यू 3 आई थी रख दिया, 5 × 3 = 15, 8a = 19, 19 में से 5 गए कितने बचे, 4, ये हो गया 4/8, 4 × 8, a की वैल्यू आ गई 1/2 सही है। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, x और y की, x की तो आ गई है एक काम हो गया, अब y की निकालनी है। y की वैल्यू किससे आएगी, a से आएगी, a की वैल्यू आई थी 1/2 तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन भी इसी में इसके इसी तरह से है, सेम मेथड करना है, जो भी चीज़ें हमें दे रखी हैं उठपटांग उसे हमें कुछ मान लेना है, उसके बाद इसे हमें सॉल्व कर लेना है जो भी हमने तीन मेथड पढ़े थे उससे। तो उम्मीद करते हैं वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी 6E और 6F। 6E में क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, 2-digit numbers, इन सब चीज़ों पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे अपनी कल की एक्सरसाइज में, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन लगा लेना है और उसके बाद हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।